बच्चों कैसे हो आप? मैं आपकी टीचर उन्नति। आज हम पढ़ने वाले हैं लिपि और व्याकरण। वीडियो को आज जरूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में हम डिस्कस करेंगे कि आपने और हमने लिपि के बारे में क्या पढ़ा और लिपि के नाम। आइए फिर पढ़ते हैं लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि भाषा के संकेतों या चिन्हों द्वारा लिखने की प्रणाली को लिपि कहते हैं। लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, यह चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लिखने के ढंग अथवा रीति को लिपि कहा जाता है। हर भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। कुछ भाषाएं और उनके लिपियों के नाम आइए मैं आपको बताती हूँ। भाषा का नाम और लिपि का नाम। हिंदी, देवनागरी, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी, अंग्रेजी, रोमन आदि। चलिए बच्चों अब जानते हैं व्याकरण के बारे में। क्या आप जानते हैं व्याकरण क्या है? नहीं, कोई बात नहीं, आपको मैं बताती हूँ व्याकरण क्या है। आइए साथ में पढ़ते हैं। किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा लिखने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा होता है। जैसे मोहन खाना खाती है, यह वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? मोहन खाना खाता है। मोहन पुल्लिंग है, इसलिए यह हमें व्याकरण के ज्ञान द्वारा ही पता चलता है। आज हमने सीखा लिपि और व्याकरण के बारे में। मैंने आपको बताया, आज आप सब अपने घर वालों को लिपि के बारे में बताएंगे और कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करेंगे अलग अलग लिपि। तब तक के लिए टाटा बच्चों।